हजारों वर्षों से मानव पृथ्वी पर अपनी समस्याओं में व्यस्त था, लेकिन तब किसी ने आकाश की तरफ अपने टेलीस्कोप का रुख मोड़ दिया और चीजें हमेशा के लिए बदल गई। गैलीलियो गैलीली ने जो अंतरिक्ष में देखा, तब से लेके आज तक हम इंसानों को अंतरिक्ष को देखने की रुचि और बढ़ गई है। हब्बल स्पेस टेलीस्कोप को अप्रैल 24, 1990 पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया। हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ने इंसानों का स्पेस को देखने का नजरिया ही बदल दिया। लॉन्च से लेकर अब तक हब्बल ने अपने 30 साल में हमें दूर डिस्टेंट प्लैनेट्स, स्टार्स, मून्स, एक्सोप्लैनेट्स, सुपरनोवा, नेब्यूला, स्टार क्लस्टर, ब्लैक होल, गैलेक्सीज की खोजबीन में मदद की है। हब्बल ने अपने ऑब्जर्वेशन से अब तक 10 लाख से भी ज़्यादा इमेजेस दी है। हब्बल टेलीस्कोप ने खगोल भौतिकी में सफलताओं को जन्म दिया है। वो हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ही है जिसकी मदद से ब्रह्मांड के विस्तार का दर और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की आयु का निर्धारण किया गया। हब्बल स्पेस टेलीस्कोप भले 2030 या 40 तक ही काम करता रहेगा, पर उसकी अंतरिक्ष में की गई नायाब खोजबीन को हमेशा याद रखा जाएगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, यह टेलीस्कोप साइंस और इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है जिसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से नासा, कनाडा, यूरोप के विशेषज्ञों की टीम ने बनाया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का नाम नासा के दूसरे प्रमुख हेड सर जेम्स वेब के नाम पर रखा गया, जिनकी निगरानी में 1961 से लेकर 1968 के बीच अमेरिका के पहले मानव अंतरिक्ष मिशंस को अंजाम दिया गया था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक लाइटवेट टेलीस्कोप है जिसका वजन मात्र 6.2 टन है। वही हब्बल टेलीस्कोप का वजन 11 टन जितना है, यानी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का वजन हब्बल के मुकाबले लगभग आधा है, जिससे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप स्पेस में बेहतरीन काम कर पाएगा। आकार की तुलना में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक टेनिस कोर्ट के बराबर है और ऊंचाई में करीब 3 मंजिला इमारत जितनी बड़ी है। वही हब्बल एक स्कूल बस जितना। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के प्राइमरी मिरर का डायमीटर 6.5 मीटर है, वही हब्बल के प्राइमरी मिरर का डायमीटर 2.4 मीटर है। इसका अनुमान आप ऐसे लगा सकते हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के इस बड़े प्राइमरी मिरर के वजह से हम रुपए के सिक्के को 40 किलोमीटर की दूरी से भी आसानी से देख सकते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का प्राइमरी मिरर बेरिलियम से बना हुआ है जो कि लाइटवेट है और कम क्रायोजेनिक तापमान में भी अपना शेप बनाए रखता है। बेरिलियम को सामने से गोल्ड की पतली सी कोटिंग की गई है, जिसमें पूरे प्राइमरी मिरर को गोल्ड कोटिंग करने में सिर्फ 48.25 ग्राम गोल्ड का यूज हुआ है। यह गोल्ड कोटिंग 100 नैनोमीटर जितनी पतली है। गोल्ड का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि गोल्ड इंफ्रारेड रेडिएशन को अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। टेलीस्कोप का रिजोल्यूशन सीमित होता है, कितने संख्या में वो वेवलेंथ फिट कर सकता है अपने मिरर में, यानी कि बड़ा मिरर हाई रिजोल्यूशन देगा। इसलिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को बनाने में अब तक स्पेस में लॉन्च किए गए सभी टेलीस्कोप के मुकाबले सबसे बड़े मिरर का यूज हुआ है। इस बड़े हनीकॉम मिरर को 18 हेक्सागोनल सेगमेंट से बनाया गया है, जिस कारण यह विशाल टेलीस्कोप दूर स्थित गैलेक्सीज की आने वाली लाइट से क्लियर इमेज देगा। प्राइमरी मिरर के अलावा टेलीस्कोप में परफेक्टली राउंडेड स्मॉल सेकेंडरी मिरर भी है जो कि प्राइमरी मिरर से लाइट रिसीव करेगा और पास करेगा कैमरा और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को जो कि टेलीस्कोप के पीछे है। क्वालिटी को और सुधारने के लिए 2 और कर्व मिरर का उपयोग किया गया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को मुख्य रूप से इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्वेशंस करने के लिए ही बनाया गया है। इसके अलावा टेलीस्कोप रेड और ऑरेंज विजिबल लाइट्स को भी देख सकेगा, पर इंफ्रारेड यह एक हीट रेडिएशन है, इसलिए हर वो गर्म वस्तु जिसमें टेलीस्कोप भी शामिल है इमिट इंफ्रारेड लाइट। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्वेशन करने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को -230 डिग्री सेल्सियस तापमान तक
ठंडा रखना होगा, नहीं तो खुद टेलीस्कोप से आने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन ग्लो ऑब्जर्वेशंस और इमेज की क्लियरिटी में दखल देगी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप दूर स्थित ऑब्जेक्ट के फेंट हीट सिग्नल्स को कैप्चर करने वाला है, इसलिए इस टेलीस्कोप को ठंडा रखना होगा और इसे सन, अर्थ जैसे लाइट और गर्मी के बाहरी स्रोतों से बचाने के लिए सनशील्ड का यूज हो रहा है। सनशील्ड जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मिरर के मुकाबले मुख्य हिस्सा है। सनशील्ड की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 14 मीटर। शील्ड को केपटाउन ई से बनाया गया है। इस शील्ड को केपटाउन ई से 5 बहुत पतली परतों में बनाया गया है। यह परत एक इंसान के बाल जितनी पतली है और इसकी हर एक परत को दोनों साइड से एल्यूमिनियम से कोट किया है और सन को फेस करने वाली साइड को डॉप सिलिकॉन से कोटिंग की गई है, जिस वजह से यह सन से आने वाली गर्मी को स्पेस में रिफ्लेक्ट करेगा, जिस कारण टेलीस्कोप के मिरर और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ठंडे रहेंगे। यानी कि एक साइड ओवन में केक बनाने जैसी गर्म होगी और दूसरी साइड रेफ्रिजरेटर में आइसक्रीम बनाने जितनी ठंडी। इस ऑब्जर्वेटरी का तीसरा मुख्य हिस्सा है इंटीग्रेटेड साइंस इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल ISIM। इसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का दिल भी कह सकते हैं, जिसमें टेलीस्कोप के मेन पेलोड कैमरा और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है, जिसमें सबसे जरूरी NIR कैम नियर इंफ्रारेड कैमरा, जिस पर मुख्य रूप से आंखें केंद्रित रहेगी। यह इंस्ट्रूमेंट सबसे पुराने गैलेक्सीज के दृश्य देगा, दूर स्थित स्टार्स और उसके प्लैनेट्स की वायुमंडल की जानकारी देगा और ग्रेविटेशनल लेंसिंग की मदद से डार्क मैटर की खोज में भी सहायता करेगा। NIR स्पेक नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ यह ऑब्जेक्ट्स की फिजिकल और केमिकल गुणों की जाँच करेगा। MIRI मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट से स्टार्स को पैदा होते हुए देख सकेंगे और बहुत सारे अनजान ऑब्जेक्ट्स जो कि क्यूपर बेल्ट में है। साथ साथ आशा करते हैं कि यह हमारे सौर मंडल के 9वें रहस्यमय ग्रह की खोजबीन में भी सहायता करेगा। NIRISS नियर इंफ्रारेड इमेजर एंड स्लिटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ कैमरा, इसका लक्ष्य है कि यह एक्सोप्लैनेट्स और दूर स्थित ऑब्जेक्ट्स की पहली लाइट की खोज करेगा। FGS फाइन गाइडेंस सेंसर, इसका उद्देश्य एक्यूरेसी से टेलीस्कोप को पॉइंट करना है, जिस कारण हायर क्वालिटी इमेजेस प्राप्त हो। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को एरिने 5 रॉकेट की मदद से यूरोपियन स्पेसपोर्ट जो कि फ्रेंच गुयाना में है, यहाँ से लॉन्च किया जाएगा। टेलीस्कोप आकार में बहुत विशाल है, इसलिए इसे रॉकेट में अपनी जगह बनाने के लिए फोल्ड किया जाएगा और स्पेस में तैनात करते वक्त इसे फिर से अपने मुख्य स्वरूप में अनफोल्ड किया जाएगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सन और अर्थ के लैग्रेंज पॉइंट 2 यानी L2 पे तैनात किया जाएगा, जहाँ टेलीस्कोप सन, अर्थ, मून के डिस्टर्बेंस को पीछे छोड़ के डीप स्पेस में अच्छे से काम करेगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अर्थ की जगह सन को ऑर्बिट करेगा, पर सन को ऑर्बिट करते करते यह टेलीस्कोप अर्थ के साथ समकालीन अंतर बनाए रखेगा, जिस कारण टेलीस्कोप का पृथ्वी से अच्छे से कम्युनिकेशन हो पाएगा। जहाँ सन, अर्थ और टेलीस्कोप एक समान रेखा में होंगे, जिस कारण सनशील्ड, सूर्य से आने वाली सोलार विंड, इंफ्रारेड रेडिएशन और पृथ्वी से आने वाली लाइट्स को ब्लॉक कर पाएगी। अर्थ से लेके L2 पॉइंट का अंतर करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर यानी कि 15 लाख किलोमीटर है। यह दूरी अर्थ से मून की दूरी जो कि 384,400 किलोमीटर है, उसके लगभग 4 गुना है। इस लैग्रेंज पॉइंट 2 पे सूर्य और पृथ्वी के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से टेलीस्कोप अपनी जगह बनाए रहेगा और इस तरह L2 पॉइंट में ऑर्बिट करने के लिए टेलीस्कोप को कम फ्यूल लगेगा। हबल स्पेस टेलीस्कोप पृथ्वी से 547 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ में ऑर्बिट करती है, इसलिए इसके सर्विसिंग मिशंस हुए हैं।
पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अर्थ से काफ़ी दूर तैनात होने के कारण इसकी सर्विसिंग मिशंस की संभावना मुश्किल है और अभी की टेक्नोलॉजी की मदद से लगभग नामुमकिन है। यह टेलीस्कोप संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है। इसकी स्पेस में तैनाती के बाद इसे खुद से ऑपरेशंस को अंजाम देना होगा, इसलिए साइंटिस्ट्स और एक्सपर्ट इसको बनाने में कोई चूक नहीं कर सकते हैं। और यही वो कारण है जिस वजह से टेलीस्कोप की लॉन्चिंग करने में देरी हो रही है। हबल टेलीस्कोप यूवी विजिबल लाइट और कुछ हद तक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में देख सकता है, पर जो दूर स्थित गैलेक्सीज और स्टार्स से आने वाली लाइट की वेवलेंथ स्ट्रेच होकर इंफ्रारेड रेडिएशन में रेड शिफ्ट हो गई हो, उसे रिसीव करना हबल के पहुंच के बाहर है। वही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस इंफ्रारेड रेडिएशन को रिसीव कर पाएगा और जिस कारण हम ब्रह्मांड में हबल से भी दूर स्थित ऑब्जेक्ट्स को देख पाएंगे। अनुमान है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से हमें बिग बैंग होने के बाद के 100 से 250 मिलियन साल बाद का ब्रह्मांड दिखाएगा, जिसमें जन्म होने वाले स्टार्स को देख पाएंगे। भले वो अभी अस्तित्व में ना हो, पर उनसे आने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन की मदद से हमें बिग बैंग के रहस्यों को और स्टार्स के जन्म लेने की थेरीज को और अच्छे से खंगाल पाएंगे। टेलीस्कोप का सबसे अनुकरणीय लक्ष्य पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज कर उनके पर्यावरण का विश्लेषण करना है। टेलीस्कोप को 5 से 10 साल काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, पर यह कुछ और सालों तक काम करता रहेगा। नासा का कहना है कि यह टेलीस्कोप हबल से 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है, पर टेलीस्कोप को पृथ्वी के जगह स्पेस में ही क्यों तैनात किया जा रहा है? पृथ्वी पर ग्राउंड बेस क्यों नहीं? इसकी वजह अर्थ की जलवाष्प और दूसरे तत्वों जैसे कि पृथ्वी की सतह ज़्यादातर कॉस्मिक रेडिएशन को सोख लेगी। समस्याएं और ज़्यादा बढ़ेंगी जब बादल, नॉइस, वाइब्रेशंस ऑब्जर्वेशन के आड़ आएंगे, पर वही स्पेस में ऐसी कोई भी समस्याएं नहीं होंगी जिस कारण टेलीस्कोप से हाई क्वालिटी इमेजेस प्राप्त होंगी। हम सब उत्सुकता से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को स्पेस में डिस्कवरीज करते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडेमिक के कारण टेलीस्कोप की टेस्टिंग में विलंब हुआ है और फिर से इसकी लॉन्चिंग देरी से हो रही है। पर स्टिल हमें 2022 तक वेट करना होगा, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। प्रोबेबली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मनुष्यों के सबसे बड़े सवाल का जवाब देगा, क्या हम अकेले हैं? हमें कमेंट्स में बताएगा आप इस टेलीस्कोप से क्या खोजना पसंद करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।